देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। सिद्धार्थनगर जिले की गिनती अति पिछड़े 8 जिलों में की जाती है, लेकिन इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ने इस महीने IGRS प्रणाली के तहत प्राप्त शिकायतों को निस्तारित करने के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान पाने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि पहले अक्सर ये सुनने को मिलता था कि किसी समस्या से पीड़ित व्यक्ति की शिकायत को दर्ज नहीं किया गया। ऐसे लोगों की मदद के लिए IGRS प्रणाली का शुभारंभ किया गया और जिसके जरिए अब पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन के माध्यम से अपनी समस्या को दर्ज करवा सकता है। बात करें बीते सितंबर महीने की, तो कुल 470 शिकायतें ऑनलाइन माध्यम से की गई थी, जिन्हें निस्तारित करने में पुलिस विभाग ने खासी सक्रियता निभाई और समय सीमा के अंदर प्राप्त 470 शिकायतों के सापेक्ष 440 शिकायतों को निस्तारित कर दिया, जिसके फलस्वरूप इस जिले को यूपी में प्रथम स्थान पाने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके साथ ही अगर हम 2018 के जनवरी महीने से 31 अगस्त माह की बात करें, तो कुल शिकायतों की संख्या 3209 रही। इन शिकायतों को भी पूर्णतः निस्तारित किया जा चुका है। ये शिकायतें यूपी मुख्यमंत्री पोर्टल, PG पोर्टल, ऑनलाइन माध्यम से की गई शिकायतें हैं। तो वहीं जिलाधिकारी के यहाँ की गई शिकायतें और समाधान दिवस में पीड़ितों के द्वारा की गई थी। खुशी की बात ये है कि अति पिछड़े जिलों में भी अब ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण में विभाग खासी सक्रियता दिखाने में रुचि ले रहे हैं। शासन द्वारा IGRS प्रणाली लागू की गई जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए गत माह 470 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, उसमें से 440 का निस्तारण गुणवत्ता के आधार पर समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण किया गया, जिसमें प्रदेश में सिद्धार्थनगर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।